हेलो लोहित, गुड आफ्टरनून स्पीगेट्स। आज के लेसन में हम करने वाले हैं कनेक्टोरियम यानी कंजंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस या दो सेंटेंसेस को पूरे पूरे जोड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उंड, ओडर, आवर, वाइल, जेन। सो जर्मन लैंग्वेज में 50 कंजंक्शन है। लिटरली वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोस इन सो मेनी वीडियोस। फाइन, सो कंजंक्शन का आज पहला लेक्चर है जिसमें हम ये पांच सीखेंगे। फाइन, कंजंक्शन इज बेसिकली अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। इसी को जर्मन में कैसे बोलेंगे? उंड, वेल वी डॉयच लर्नन सोलन मी आउ इन स्टैंड डिजाइन एंबिशन डॉयच टू स्प्रेकन। या ओके फाइन, सो कंजंक्शन इज एन वो दस वर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल पीट उन स्टेफी स्पीलन टेनिस, पीट उन स्टेफी स्पीलन टेनिस। अभी जैसे देखिए ओनली यहाँ पे क्या कर रहा है, पीट एंड स्टेफी दो वर्ड्स है, नाउन्स है, उनको जोड़ रहा है। सो पीट उन स्टेफी स्पीलन टेनिस। एक स्ट्रिंग का कफ है, आवर माइना फ्राउ ट्रेंट चे। अब यहाँ पे देखिए उन क्या कर रहा है, आवर, सॉरी यहाँ पे आवर क्या कर रहा है, यहाँ तक एक सेंटेंस है, फुल सेंटेंस है, एक ट्रिंक के कफे। दूसरा सेंटेंस क्या है, माइने फ्राउ ट्रिंक स्टे। ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी कोई पर्टिकुलर कनेक्शन होता है तो उसका एक सेंस होता है, बेसिक सेंस। ठीक है, तो हम साथ साथ उसको भी समझते चलेंगे सो दैट इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। फाइन राइट, सो अभी एक एक करके हम करेंगे। जैसे फर्स्ट विल टेक उंड। उंड का मतलब क्या है, कुछ हो रहा है साथ में कुछ और हो रहा है, और वो मेनली कंट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, यूजुअली इन दैट सेंस यूज एंड। ठीक है, यही है ना सेंस। जैसे पीट उन स्टेफी स्पिलन टेनिस, मतलब पीट और स्टेफी टेनिस खेलते हैं, पीट उन स्टेफी स्पिलन टेनिस। जीस्ट यूंग उन श्योंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस में बेसिकली उन इज ज्वाइनिंग टू वर्ड्स ओनली। ठीक है फाइन, जैसे जीस्ट यूंग उन श्योंग, शी इज यंग एंड ब्यूटीफुल। फाइन, होइटे काउफे एंड सोफा ऑन स्वाई स्ट्यूलर, होइटे काउफे एंड सोफा ऑन स्वाई स्ट्यूलर। यहाँ पे भी देखा जाए उन क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, टुडे आई एम गोइंग टू बाय, टुडे आई विल बाय अ सोफा एंड टू चेयर्स, होइटे काउफे एंड सोफा ऑन स्वाई स्ट्यूलर। नाउ एल बेजुक्ट होइटे जाइना एल्टन ऑन जाइना क्रॉस एल्टन, मीन्स ही विल विजिट टुडे हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जी हेल्प्ड इरम फादर उंड इरम मुटर, जी स्टूडियर मेडिसिन उंड विल अर्थस्टेड वर्डन। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो जी लगा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, वहां पे वो कॉमन हो जाता है, जी स्टूडियर मेडिसिन उंड जी विल अर्थस्टेड वर्डन। फाइन राइट, नाउ ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, या तो वो होगा या तो ये होगा, मतलब ऑर्डर इज और, जैसे इंग्लिश वाला और होता है ना, या। फाइन राइट, सो जी बिजोस्ट इर एल्टन ऑर्डर इर ग्रो सेल्टर, मतलब या तो पेरेंट्स के पास जाएगी या तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएगी। फाइन, दोनों के पास नहीं जाएगी, उन लगाती है तो दोनों के पास जाएगी। राइट, इकाउफ एंड बियर ऑर्डर एन अ फ्लश वाइन, इकाउफ एंड बियर ऑर्डर एन अ फ्लश वाइन, मतलब या तो मैं बियर खरीदूंगा या एक बोतल वाइन खरीदूंगा। फाइन, कॉम्स डू चुर पार्टी ऑर्डर नेक्स्ट, कॉम्स डू चुर पार्टी ऑर्डर नेक्स्ट, पार्टी में तुम आ रहे हो या नहीं। फाइन, अभी आप बोलेंगे यहाँ पे तो सिर्फ दो वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं। लेट्स ट्राई वन मोर सेंटेंस दैट जॉइंस टू, वन मोर एग्जाम्पल दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलेंट टॉयच ओडर एंड स्पील्ड टेनिस, सिंपल, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। फाइन, ऑल द सेंटेंसेस आर रिवॉल्विंग इन योर मार्केट इन योर लोकैलिटी, यू डोंट नीड टू गो टू जर्मनी फॉर मेकिंग जर्मन सेंटेंसेस, एंड मेकिंग जर्मन सेंटेंसेस दिस सो इजी। फाइन, एलेंट टॉयच ओडर एंड स्पील्ड टेनिस, या तो जर्मन सीख रहा है या तो टेनिस खेल रहा है। फाइन, नाउ आबर, आवर कब यूज होता है, जैसे जहां पर कुछ कंट्रडिक्शन हो, ठीक है, कंट्रास्ट हो, यानी कोई चीज होनी चाहिए मगर वो
नहीं हो रहा हो, कंट्रोडिक्शन हो, इसलिए इस केस में हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, फिर भी बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है इसलिए बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि तो जब बारिश होती है तो अक्सर बच्चे बाहर नहीं खेलते। सो हमको इसका सेंस का भी ध्यान रखना है। जैसे इहावा इन मोटर आर्ट्स अबर काइन आउट टू, इहावा इन मोटर आर्ट अबर काइन आउट टू। इफ वी से ओन एन ऑटो मीन्स हमारे पास मोटरसाइकिल भी है और कार भी है, बट यहाँ पे कंट्रास्ट आ गया, ये चीज है मगर वो नहीं है। स्ट्रिंग के कफ है ओला, स्ट्रिंग के कफ है। अब यहाँ पे देखिए, इट्स ज्वाइनिंग आवर इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, फुल सेंटेंस। स्ट्रिंग के कफ है आवर माइन फ्राउ प्रिंट टे, ठीक है, सो इट्स ज्वाइनिंग कंप्लीटली टू सेंटेंसेस। माइन हाउस इज क्लाइन आवर जेयर श्योर, मेरा घर छोटा है मगर सुंदर है। माइन हाउस इज क्लाइन आवर जेयर श्योर, इट्स ज्वाइनिंग टू फ्रेजेस। एस रेगनेट आवर द किंडर स्पीलन ड्राउस, एस रेगनेट इट्स रेनिंग बारिश हो रही है, आवर बट द किंडर स्पीलन ड्राउसन, बट बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मतलब कंट्रास्ट आ गया, मतलब कोई चीज होनी चीज नहीं चाहिए फिर भी हो रही है, उस सेंस में हम बट लगाते हैं, ठीक है, राइट। एर इज गेजुंड आवर ए ट्राइब काइन एंड सपोर्ट, एर इज गेजुंड, गेजुंड इज हेल्दी, ठीक है, ही इज हेल्दी बट इट डजंट प्ले एनी स्पोर्ट। सो स्पोर्ट के साथ हम स्पीलेन या ट्राइबन लगाते हैं, ट्राइबन मोस्टली लगाते हैं, ठीक है। ए ट्राइब काइन एंड स्पोर्ट, ए ट्राइब फील्ड स्पोर्ट, वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलता है, इट डजेंट डू एनी स्पोर्ट, ही डज मेनी स्पोर्ट्स, फाइन दैट सेंस। जे स्क्रांग अवर लर्नड नोए वोकाबल, जे स्क्रांग शी इज सिक बट शी इज लर्निंग न्यू वोकेबुलरी, फाइन राइट। नाउ डेन, डेन क्या है? इसका सेंस आप बिकॉज समझ लीजिए अभी तक, ठीक है, आगे इसको डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है, सबजंक्शन क्या होता है, वो सब बात की बात है। फिलहाल आप ये समझेंगे दीज आर द वर्ड्स दैट आर ज्वाइनिंग वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस, फाइन। सो डेन मीन्स बिकॉज, ऐसा समझ लिया। सो इक लेरने डॉयच डेन, इक विल नाक डॉयच लर्न फार, इक लेरने डॉयच आई एम लर्निंग जर्मन, क्यों? ये सवाल का जवाब देता है, ठीक है। देन इच विल नाक डॉयचलैंड फॉरन, इच विल नाक डॉयचलैंड फॉरन, ये हो गया एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस इच लर्न डॉयच, सो दैट इज मेन सेंटेंस, इसको बोलते हैं, हाउपजाट्स। दूसरा क्या है? नेबन जाट्स, इसको कभी डिटेल में समझाएं। सो इच विल नाक डॉयचलैंड फॉरन, क्योंकि आई एम लर्निंग जर्मन बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू जर्मनी, इच विल नाक डॉयचलैंड फॉरन, फाइन। सो विल इज मोडाल वर्ब, जिन्होंने नहीं देखा है मोडाल वर्ब का वीडियो पड़ा हुआ, जाकर जरूर देखें। इन दैट केस द वर्ब गोज इन द एंड। जी लर्न रूसिश देन जी विल इन इन रूसलैंड मेडिसिन स्टूडियर, जी लर्न रूसिश शी इज लर्निंग रशियन बिकॉज जी विल इन रूसलैंड मेडिसिन स्टूडियर, शी वॉन्ट्स टू स्टडी मेडिसिन, मेडिसिन किधर? जब इन रशिया। माइन फादर कैन काइन आउटो काउफन, माइन फादर कन काइन आउटो काउफन, अनदर एग्जाम्पल फॉर मोडाल वर्ब एंड क्यूनेन, जिसका कंजुगेशन कन। माइन फादर कन काइन आउटो फॉरन एंड कैन आउटो काउफन, माई फादर कैन नॉट बाय अ कार, क्यों? क्योंकि देन एस इज टू प्रोयर, बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव, इट इज टू कॉस्टली, बहुत महंगा है। मोहन मस्ट डॉयच लर्न, मोहन मस्ट डॉयच लर्न, मोहन मस्ट लर्न जर्मन, क्यों? देन एरविल इन बर्लिन स्टूडियर, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टडी इन बर्लिन, देन एरविल इन बर्लिन स्टूडियर। और एक चीज का ध्यान रखना, वेन वी यूज देन देन द वर्ब स्टेज इन द सेकेंड पोजिशन, बट वेन वी यूज वाइल द वर्ब गोज इन द लास्ट पोजिशन, जैसे बिल्कुल हिंदी के जैसा हो जाता है, उसको अभी देखेंगे। सो नेक्स्ट इज वाइल, और दोनों का सेंस क्या होता है? सेम होता है, आप सब देन एंड वाइल सेंस होता है सेम, बिकॉज वाला, मगर चेंज इतना ही होता है, आप जैसे मर्जी वैसे बोलिए, चेंज इतना ही होता है कि जो नेबेन जाट्स होता है, जो सेकंड वाला सेंटेंस, उसका जो वर्ब होता है वो सेकंड पोजिशन पर न रुक के वो लास्ट में चला जाता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में भी गया था लास्ट में, मगर वो क्यों गया था? दैट इज बिकॉज ऑफ मॉडल वर्ब्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ देन, ठीक है, फाइन। सो मोहन मस्ट डॉयच लर्निंग, सो आई जस्ट टुक दिस सेम सेंटेंस हियर।
मोहन मस्ट वॉच लर्निंग वाइल एर इन बर्लिन स्टूडियर इन विल एर विल इन बर्लिन स्टूडियर इन, ये जो स्टूडियर लास्ट में जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ मॉडल वर्ब। बट अब इसके बाद भी चला जाएगा जो वर्ब विल है, देन एर विल, ये जो विल है ना ये कट के लास्ट में चला जाएगा। और यहाँ पे वर्ब का काम यही कर रहा है बिकॉज द सेम इज कंजुगेटेड इन द सेकेंड पोजिशन। जर्मन सेंटेंस का रूल होता है, ठीक है, जो सेकेंड पोजिशन पर रहेगा वो कंजुगेट होगा और असल में वर्ब वही होता है। फाइन, सो मोहन मस्ट डॉयच लर्न एंड वाइल एर इन बर्लिन स्टूडियर इन विल। मोहन को जर्मन सीखने चाहिए क्योंकि, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्योंकि वो बर्लिन में स्टडी करना चाहता है, ठीक है, तो ऐसे चाहता है लास्ट में हिंदी टाइप चला गया ना भाई, दैट्स व्हाट आई सेड। सो जिलेंट रूसिश शी इज लर्निंग रशियन, क्यों, व्हाइल जी इन रूसलैंड मेडिसिन स्टूडियर इन विल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू स्टडी मेडिसिन इन रशिया। नाउ अगर इसी की जगह हम डेन लगाते तो सेंटेंस कैसे होता उसको भी समझते हैं। जिलेंट रूसिश डेन जी विल इन रूसलैंड मेडिसिन स्टूडियर इन, ठीक है, फाइन। द मोस्ट निक सुरशुल अगेन, द मोस्ट निक सुरशुल अगेन, मतलब अभी देखिए ये मोस्ट निक्ट, जब म्यूशन के साथ निक्ट लगता है तो इसका मतलब सीधे सीधे वी शुड नॉट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश लाइक मस्ट नॉट, बिकॉज उसका सेंस अलग होता है, उसका मतलब होता है यू नॉट अलाउड टू। जर्मन में म्यूशन निक्ट नेगेटिव के साथ उसका मतलब होता है ये कंपल्सरी नहीं है, इट्स नॉट ए मस्ट फॉर यू टू डू दैट। टू मोस्ट निक्ट शुल अगेन मीन्स तुमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू, एक्चुअली यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल, क्यों, व्हाई, बिकॉज टू फेरियन हास्ट। अभी देखिए व्हाइल आ गया तो टू फेरियन हास्ट, बिकॉज द एक्चुअल सेंटेंस वुड हैव बीन लाइक डू हस्ट फेरियन। यहाँ पे अगर हम व्हाइल की जगह डेन लगा दें तो क्या हो जाएगा, डेन टू हस्ट फेरियन, और ये हस्ट उड़ जाएगा, ठीक है। द मोस्ट नेक्स्ट सोशल अगेन, यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल बिकॉज यू हैव वेकेशन, फेरियन इज वेकेशन प्लूराल, राइट, टू फेरियन, देन टू हस्ट फेरियन, बट बिकॉज वी आर यूजिंग व्हाइल द सेंटेंस विल बी लाइक दिस, डू मोस्ट नेक्स्ट सोशल अगेन व्हाइल डू फेरियन हस्ट, राइट, द वर्ब गोज इन द एंड। कौन सा वर्ब, उसके बीच में और भी वर्ब्स हो सकते हैं अपने अलग अलग पर्पज के लिए, जैसे यहाँ पे हमको इन्फिनिटिव में दिख रहा है मॉडल वर्ब दिख रहा है, ठीक है, फाइन। Er kommt heute nicht. Er kommt heute nicht. Is not coming today. Er arbeitet heute nicht. Is not working today. क्यों बाबा? While er krank ist. While er krank ist. क्योंकि वो बीमार है। आ गया ना हिंदी टाइप? फाइन, समझने के लिए। Er kommt heute nicht. Er arbeitet heute nicht. While er krank ist. इसी की जगह हम den लगाएंगे तो क्या होगा? Er kommt heute nicht. Denn er ist krank. Denn er ist krank. Simple. उस केस में हम देन एर क्रांक इस्ट नहीं बोलेंगे। सो देन और वाइल में फर्क इतना ही है कि जो नेबेनजात्स, ठीक है, नेबेनजात्स में यानी दूसरे वाले सेंटेंस में जो सेकंड पोजीशन पर वर्ब होता है वो वाइल के केस में एंड में चला जाता है और देन के केस में अपनी जगह पे रहता है। फाइन, सो विद दिस वी कंप्लीटेड दीज फाइव कंजंक्शंस। बाकी चीजें अगले लेसन में करेंगे एंड लिटरली वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑल द कंजंक्शंस सो दैट आगे हमको कोई दिक्कत नहीं हो, हम हायर लेवल की जर्मन सीखें तो भी। फाइन, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ विडर्स।